हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे खूबसूरत से पौधे जिन पौधों की कटिंग नवंबर के महीने में हम फिलहाल बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इन पौधों की जड़ें बनने लगती है और बहुत ही फास्ट ग्रो ये प्लांट हमारे गार्डन में करते हैं। जब हम इन पौधों की कटिंग ग्रो करते हैं तो एक भी कटिंग इन पौधों की फैल नहीं होती है। तो नवंबर के महीने में अभी कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं जिन पौधों की कटिंग बिल्कुल भी फैल ना हो, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी यहाँ पर पर्पल हार्ड प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला पौधा होता है। 3 से 4 इंच की कटिंग आप इसकी ले लें तो इसको मिट्टी में डाल दें तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रो प्लांट करता है। जब इसकी एक बार जड़ें बनने लगती है हमारे पॉट के अंदर और सालों साल परमानेंट इसी तरीके से अपनी खूबसूरती ये बनाए रखता है चाहे कोई भी मौसम हो। दूसरे नंबर पर बात करूँगी फ्रेंड्स यहाँ पर डेंथस प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। फिलहाल अगर आप इसकी कटिंग ग्रो करते हो अपने गार्डन में तो बहुत तेज़ी के साथ इसकी कटिंग लग जाएगी और बहुत सारी फ्लावरिंग ये हमारे गार्डन में करता है। जैसे कि यहाँ पर एक कटिंग है, आप इसकी कटिंग लेकर किसी भी मिट्टी के अंदर डाल सकते हो 2 से 3 इंच की कटिंग लेकर, तो बहुत ही फास्ट ग्रो ये प्लांट हो जाएगा और सर्दियों में जो है ढेर सारी फ्लावरिंग ये हमारे गार्डन में करते हैं। तो इस पौधे की कटिंग फ़िलहाल आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर कोलियस प्लांट की। कोलियस बहुत ही खूबसूरत सी लीव्स वाला प्लांट होता है। बहुत से कलर में ये प्लांट आता है। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लेकर अगर अभी आप अपने यहाँ पर लगा देते हो तो बहुत तेज़ी के साथ ये प्लांट हमारे गार्डन में बढ़ता है और इस पौधे की जो कटिंग हम लगाते हैं वो भी बहुत ही जल्दी जड़ें बनाती है। तो आप इस पौधे की कटिंग फ़िलहाल बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर पर्सन सीड प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। इसकी कटिंग अगर अभी आप लगाते हो तो बहुत आसानी से लग जाएगी, पर आप इसकी जब भी कटिंग लगाते हो तो ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा पानी ना दें। ठंड के मौसम में इसको थोड़ा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा ठंड ना पड़े, जिसको उसको ठंड का सामना ना करना पड़े। अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखते हो तो आपकी कटिंग जो है 100% सक्सेस होगी और इस पौधे को आप आसानी से अपने घर पर ही एक पौधे से 2 प्लांट बना सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बात करूंगी यहाँ पर कलंचों के पौधे की। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। अब सर्दियों में इसकी ढेर सारी फ्लावरिंग हमारे गार्डन में होगी, तो आप इस पौधे को कटिंग से फिलहाल बिल्कुल तैयार कर सकते हो अपने गार्डन में। इसके बहुत से कलर और बहुत सी वैरायटी आती है। आपको जो भी इसकी वैरायटी मिलती है अगर आप इसको अभी अपने गार्डन में ग्रो करते हो तो ये बहुत आसानी से चल जाएगा और इस एक पौधे से आपके अनेकों प्लांट भी इसके बन जाएंगे। तो कलंचो प्लांट की कटिंग आप जरूर लगाएं। जब भी इस पौधे की कटिंग लगाते हो उसके अंदर जो है सिंपल मिट्टी में कटिंग लगाएं और पानी की मात्रा जो है कम रखें, ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें वरना आपकी कटिंग सक्सेस नहीं होगी। तो आप कम पानी डालें और अपनी कटिंग को बिल्कुल कम पानी डालकर सक्सेस बना सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बात करूंगी यहाँ पर अजवाइन प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत सा एक पौधा होता है। इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, देख सकते हो कितनी अच्छी देखने में ये लगती है। तो इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। एक छोटी सी कटिंग भी अगर आप इसकी लगा दोगे तो इसकी कटिंग बिल्कुल भी फैल नहीं होती है और आप इसको जो है अपने गार्डन में छोटी सी कटिंग से ही ग्रो कर सकते हो, बहुत आसानी से चल जाता है। तो अजवाइन प्लांट को भी आप अभी आसानी से ग्रो कर सकते हो कटिंग से। जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत आसानी से चलने वाला पौधा होता है। इस पौधे की कटिंग भी अगर आप फिलहाल ग्रो करते हो तो बिल्कुल भी फैल नहीं होती है, आसानी से आपके गार्डन में ये ग्रो हो जाता है और घर के अंदर लगाना ये प्लांट भी शुभ माना जाता है। तो आप इस पौधे की कटिंग फ़िलहाल बिल्कुल ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। और फ्रेंड्स, बात करती हूँ यहाँ पर लोरो पैटनम प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत सी लीव्स वाला प्लांट होता है। इसको भी हम अभी अपने गार्डन में कटिंग से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग आप इसकी लेकर लगा दो, बिल्कुल भी फैल नहीं होती है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये प्लांट हमारे गार्डन में ग्रो होता ही रहता है। तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है बॉलविंग जू प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सा छोटी छोटी लीव्स वाला प्लांट होता है। इसको हम अभी अपने गार्डन में कटिंग से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग लग जाती है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है और एक भी कटिंग इसकी फैल बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस पॉट के अंदर भी लगाओगे बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से फैला हुआ है बॉलविंग जू प्लांट। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट को अगर अभी आप ग्रो करना चाहते हो तो बहुत सारे प्लांट होते हैं और बहुत सारी वैरायटी में ये आते भी हैं। तो कैक्टस प्लांट को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है ये लीव्स वाला
ये पौधा अपनी छोटी सी लीव से ही ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से चलता रहता है, और फास्ट ग्रो भी ये होता ही रहता है हमारे गार्डन में। आप इसको चाहे छोटे से पॉट में लगा दें या आप इसको बड़े पॉट में लगा दें। यहाँ पर देखिए छोटी सी की इसमें ही मैंने इसके एक छोटी सी लीव्स लगा दी थी, और देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें से लीव्स निकल चुकी है। तो आप फिलहाल कैक्टस प्लांट को भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, चाहे इसकी कोई सी भी वैरायटी हो, ये एक छोटी सी लीव से ही ग्रो हो जाता है। गुलाब का जो पौधा होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फिलहाल आप इसकी अगर कटिंग ग्रो करके लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। तो गुलाब के पौधे की भी आप फिलहाल बिल्कुल कटिंग ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब बात करती हूँ यहाँ पर वॉन्डरिंग जू प्लांट की। वॉन्डरिंग जू प्लांट जो होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। एक ही लीव्स के अंदर काफ़ी सारे इसके कलर बने रहते हैं। तो अगर आप इसको भी ग्रो करना चाहते हो कटिंग से तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। इनकी कटिंग बिल्कुल भी फैल नहीं होती है, ये कुछ ऐसे खास पौधे होते हैं। आप थोड़ी सी मिट्टी में लगा दो, उसी में आसानी से ये चलते ही रहेंगे। तो आप इसको भी लगा सकते हो कटिंग से। और फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर ड्रेसिना प्लांट की। ड्रेसिना का जो पौधा होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला पौधा होता है, आसानी से चलने वाला पौधा होता है। आप इसको भी कटिंग से फिलहाल बिल्कुल तैयार कर सकते हो। ये प्लांट भी बहुत सी वैरायटी में आता है, इसकी चाहे आप कोई भी वैरायटी अगर अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, और इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। तो आप इसकी भी छोटी सी कटिंग ले लें और इसको मिट्टी में डाल दें तो बहुत आसानी से ये चल जाएगी आपके गार्डन में। और फ्रेंड्स यहाँ पर है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी फिलहाल बिल्कुल कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन पर इनकी जड़ें बनी रहती हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कट करके मिट्टी में डाल दें और आपका प्लांट ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन में ही इनकी जड़ें जो होती हैं वो बनने लगती हैं। ज़्यादा टाइम भी इसको ग्रो होने में नहीं लगता है। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हो फिलहाल कटिंग से। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ ऐसे खास पौधे जिनको फिलहाल आप नवंबर के महीने में कटिंग से तैयार कर सकते हो, और इन पौधों की कटिंग 100% सक्सेस होगी। एक भी कटिंग इन पौधों की फैल नहीं होगी अगर आप इनको फिलहाल कटिंग से तैयार करते हो तो। तो अगर आप पौधों की कटिंग लगाना चाहते हो तो इन पौधों की कटिंग आप बिल्कुल फिलहाल लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज।